मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा आज अपना भारत शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस मना रहा है। आज 23 तारीख है। भगत सिंह को आज फांसी हुई थी अंग्रेजी दस्तावेजों के आधार पर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों हुई थी? क्योंकि इन तीनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह क्या था? विद्रोह यह था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे, कब्जा कर लिया था उन्होंने, और इस देश में लूटपाट मचा रहे थे, लूट रहे थे पूरे देश का धन पैसा। और कितना लूट रहे थे, एक उदाहरण बताता हूं। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो कलकत्ता में था और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, तो वो कलकत्ते को लूट रहा था और 6-7 साल उसने पूरे शहर को लूटा। उसके पास 350 सैनिक थे और वो सब मिलके एक एक घर में जाते थे, जो भी सोना चांदी मिल गया उसको लूट के लाते थे, और घर के लोग जो विरोध करें तो गोली मारते थे, सीधे गोली मारते। 7 साल उसने लूट मार किया। वो धन इकट्ठा हो गया, धन इकट्ठा होकर वो लंदन में ले गया उस धन को, पूरे धन को। तो लंदन की संसद में अंग्रेजों के प्रधानमंत्री ने रॉबर्ट क्लाइव को पूछा कि तुमने भारत से क्या लूटा? तो उसने कहा, सोना, सोने चांदी के कुछ सिक्के लूटे हैं, हीरे जवाहरात लूटे हैं। तो अंग्रेजों के राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री ने, कितने लूटे हैं? तो कहता, गिनती नहीं किया है। तो फिर भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पूछा, अंदाजा बताओ कितना लूटा? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। वो उसने कहा कि कलकत्ता शहर से लूटा हुआ धन मैं जो लंदन लेके आया, इसको लाने में मुझे पानी के 900 जहाज लगे। फिर से सुन लो, वो कहता है कि मैंने कलकत्ता में जितना धन लूटा उसको कलकत्ता से लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज लगे। इतना धन लूट के लाया। तो फिर अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री है वो पूछता है, इसकी कीमत क्या है इस धन की? तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि रफली, माने अंदाज से, 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1,000 माने 1,000, मिलियन माने 1,00,000। तो 1,000 लिखो, फिर 10,00,000 का गुणा करो उसमें, मिलियन माने 10,00,000। तो 1,000 गुणा 10,00,000 स्टर्लिंग पाउंड, इतना धन लूट के ले गया एक अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। उतने धन को आज 2009 की तारीख में रुपए में बदल दें तो ये लगभग बैठता है 7,00,000 करोड़ रुपया। ये 7,00,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम है कि इससे सोना खरीद लिया जाए तो है हरियाणा के एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाए। इतना धन एक अंग्रेज अधिकारी ने लूटा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे 84 अंग्रेज अधिकारी इस देश में आए। रॉबर्ट क्लाइव आया, वो लूट के ले गया। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, वो लूट के ले गया। फिर कर्जन आया, वो लूट के ले गया। फिर लिलिथगो आ गया, वो लूट के ले गया।
फिर उसके बाद ग्रांट आया, वो लूट के ले गया। ऐसे हिंदुस्तान में आखिरी अंग्रेज लुटेरा था माउंट बेटन। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंट बेटन तक 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने लूटी इस देश में, इतना लूट किया इस देश में। सारे भारत को, जो उस जमाने में सोने की चिड़िया नाम का देश था, अंग्रेजों ने लूट लूट कर भिखारी और गरीब देश बना दिया। हमारे देश में आज जो इतनी गरीबी दिखाई देती है, ये अंग्रेजों की लूट के कारण है, वरना भारत कभी गरीब देश नहीं था। तो ये लूट हो रही थी। दूसरा, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अत्याचार बहुत करते थे। भारत की माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे अंग्रेज। किसी भी गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, उनको अंग्रेज गले में फांसी लटका के पेड़ पर लटका देते थे और एक दो घंटे लटके रहते थे, उसमें प्राण निकल जाते थे, फिर गोली मारते थे। ऐसा अत्याचार पूरे देश में मचा रखा था अंग्रेज। इस अत्याचार के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने और ऐसे 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने बगावत की थी, विद्रोह किया। उस विद्रोह में क्या किया था, भगत सिंह और इनके सहयोगियों ने एक ऐसे ही अंग्रेज को गोली मार दी थी जो बहुत ज्यादा तकलीफें देता था। उसका नाम था सांडर्स। वो सांडर्स ने भारत के एक क्रांतिकारी नेता को सिर में इतनी लाठियां मारी थी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, और वो क्रांतिकारी नेता थे लाला लाजपत राय। आर्य समाज के थे, भारत के बहुत बड़े नेता। तो लाला जी को लाठियों से मार दिया सांडर्स ने। ये गुस्सा भगत सिंह को था और भगत सिंह ने उसके बदले में सांडर्स को गोली मारी थी। उसके बाद भगत सिंह ने क्या किया था, हमारी ये जो संसद चलती है दिल्ली में, इसमें बम फेंक दिया था। लेकिन वो बम कैसा था, वो बम जो था उसमें गोली कारतूस छर्रे नहीं थे, उस बम में कागज के पर्चे भरे हुए थे ऐसे, और उन कागज के पर्चों पे लिखा हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत से वापस जाओ, हमको स्वराज्य चाहिए, हमको आजादी चाहिए। वो बम फेंकने के बाद अंग्रेजों की पुलिस ने भगत सिंह को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला। तो एक तो सांडर्स को गोली मारी थी, उसका मुकदमा, दूसरा ये पार्लियामेंट में बम फेंक दिया। तो इन दोनों मुकदमों में कुल मिलाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हो गई। अब फांसी देने के लिए अंग्रेजों ने तय कर दिया कि अब फांसी हो जाएगी। तो जैसे ही अंग्रेजों ने इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने का तय किया, पूरे भारत में हंगामा हो गया और भारत के लाखों नौजवानों ने इकट्ठे होकर एक संगठन बना लिया भगत सिंह को आजाद कराने का, जेल से छुड़ाने का। और योजना यह बनाई गई कि भगत सिंह को जहां रखा था, लाहौर की जेल में रखा था, तो लाहौर जेल की दीवारों को तोड़कर भगत सिंह को निकाल के लाया जाए, ये योजना बनी। अब उस संगठन जिसने ये योजना बनाई, उसमें 3.5 लाख लोग शामिल हो गए, तो ये तो अंग्रेजों की फौज से बड़ा हो गया संगठन। अंग्रेजों की फौज उसके सामने छोटी थी और ये संगठन बड़ा हो गया। तो अंग्रेज घबरा गए और अंग्रेजों को लगा कि ये तो भगत सिंह को छुड़ा के ले जाएंगे, और योजना यह थी कि जब फांसी देंगे उसी समय वो भगत सिंह को छुड़ा के ले जाएंगे। तो अंग्रेजों की सरकार ने डर के मारे एक दिन पहले ही रात को फांसी दे दी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों, और फांसी देके उन तीनों के मृत शरीर को जला के फेंक देने के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी निकले जेल से ट्रक लेकर। उस ट्रक में सब्जियां लदी हुई थी, नीचे तीनों का शरीर रखा हुआ था, और ट्रक का जो ड्राइवर था वो हिंदुस्तानी था, भारतीय था, लेकिन जो सैनिक थे वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेज सैनिकों को हुक्म मिला कि ये ट्रक कहीं ले जाओ, जंगल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मृत शरीर को जला के वापस आ जाओ।
तो ट्रक का ड्राइवर थोड़ा होशियार था, उसको बात समझ में आई, वो ट्रक लेके निकला तो सही जेल से, उन तीनों अंग्रेज अधिकारियों को उसने चकमा दे दिया। एक जगह उसने ट्रक रोक लिया पेशाब करने के बहाने, वो तीनों अंग्रेज भी उतर गए उसी में से। फिर क्या हुआ, जैसे ही तीनों अंग्रेज उतरे वो फट से चढ़ गया और ट्रक को लेके भाग गया। अब वो तीनों अंग्रेज गोलियां चलाते रहे लेकिन वो लेके भाग गया, और ट्रक को भगाते भगाते सीधे लाहौर से लेके अमृतसर के पास आया एक गांव में, उस गांव का नाम है हुसैनी वाला। वो गांव अमृतसर के बॉर्डर पे है भारत की सीमा। वहां आके ट्रक का डीजल खत्म हो गया, वो ट्रक को ला रहा था अमृतसर लेकिन हुसैनी वाला में डीजल खत्म हो गया, तो ड्राइवर ने ट्रक वहीं खड़ा करके गांव वालों को सूचना दी कि मेरे ट्रक में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का मृत शरीर है, अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही फांसी दे दी। तो गांव वाले सब इकट्ठे हुए और उन्होंने तीन चिताएं बनाई, उन पर लकड़ी और कंडे लगाकर सम्मान के साथ तीनों क्रांतिकारियों का वहां अंतिम संस्कार हुआ। तो जिस गांव में तीनों क्रांतिकारियों का संस्कार हुआ था वो हुसैनी वाला गांव है, वहां आज भी तीनों क्रांतिकारियों की समाधि चिता वहां बनी हुई है। आप जरूर जाना अपने जीवन में एक बार। वो एक गाना है ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो शहीदों की चिता जहां सजी वो हुसैनी वाला गांव है। तो ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनका बलिदान दिवस है आज। हम सब इस बलिदान दिवस के अवसर पर अपने मन में प्रार्थना करें ईश्वर से कि वो जहां भी हो शांति में हो, उनकी आत्मा जहां भी हो वो शांति में हो, परम शांति में हो, सदगति उनको मिले। भगत सिंह का सपना था कि ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, बेरोजगारी ना हो, भुखमरी ना हो, अंतिम आदमी का, गरीब से गरीब आदमी का सम्मान हो, सारे देश में खुशहाली हो, समृद्धि हो, पूरा देश शक्तिशाली बने, आत्मगौरव हो, स्वाभिमान हो, ये सब सपना देखा था भगत सिंह ने। वो सपना तो अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की आत्मा को परम शांति मिले, और हम दूसरी प्रार्थना करेंगे कि उनका देखा हुआ सपना जो अभी तक अधूरा है उसको पूरा करने के लिए अपने जीवन में प्राणपण से कोशिश करेंगे।